करोड़ पे आपका नाम है, इस पे कितनी सच्चाई है? वो तो आपको खतरों के खिलाड़ी देख के पता चलेगा, बट ये है कि जो जनता ने सोचा था मैंने उनको डीमोटिवेट नहीं किया, मैंने बहुत अच्छे से स्टंट किए, कोशिश की करने की, तो वो आपको खतरों के खिलाड़ी देखने को मिलेगा। अर्चना, आप जब बिग बॉस में जा रही थी उस पर अगर आपका ग्राफ देखा जाए कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप एक और रियलिटी शो करेंगी आफ्टर बिग बॉस, वो कैसी फीलिंग थी जब आपको ऑफर हुआ था खतरों के खिलाड़ी और अब आप आ चुकी हैं वहाँ से? एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मैं जाऊँगी, बस था कि पता नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, 50-50 था। बट जब मुझे ऑफर आया खतरों के खिलाड़ी का, तो मुझे ना टेंशन सबसे पहले ये हुई कि पानी ठंडा है और सर्दी है, 5 डिग्री टेम्परेचर है, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, और छिपकली है उससे मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फोबिया है, भगवान के टच हुए कि पूरे स्टंट में मुझे छिपकली नहीं मिली, ये बहुत अच्छी बात हो गई। और दूसरी चीज़ ठंडे पानी, वो तो ऑफ कोर्स हर किसी को डर है ठंडे पानी, क्योंकि 5 डिग्री टेम्परेचर है और ऊपर से नदी में जाना है ठंडे पानी में, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। थैंक यू अर्चना। थैंक यू सो मच। जैसे कि होता है जब इंसान किसी चीज़ में कदम रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा धीरे धीरे ना ग्रो करना चाहिए, तो अभी प्लान में ग्रो कर रही हूँ अपने आप को। मैं ट्यूशन ले रही हूँ इंग्लिश के, बुक्स पढ़ती हूँ और थोड़ा अपने आप को थोड़ा क्लासी बनाने के लिए नए नए आउटफिट, नया नया मेकअप, ये सब चीज़ें कर रही हूँ कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस भी बन पाऊँ, बस उसी के लिए। अर्चना, आपने कैंडिड रहते हो, जो भी आप कहते हैं, जैसे आपने कहा आप क्लासेस दे रहे हो एनिमेशन, यू डोंट शाय अवे फ्रॉम दैट, आपकी अपनी इस क्वालिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? और मुझे ऐसा लगता है कि आपके फिल्म में जो चीज़ है ना बोल दो, मतलब वो अंदर रख के ना आप घुटने से वो अच्छा है, कि इसलिए ना मैं मुँह फट रहती हूँ, इसलिए खतरों के खिलाड़ी ने जो दिल में आया वो बोल दिया, बाकी लोगों ने बोला भी कभी कभी इतना ब्लंट भी होना अच्छा नहीं है, किसी को हर्ट हो सकता है, तो मुझे मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा, तो अभी जो मतलब दिल में आता है बोल देती हूँ, बट ऑफकोर्स मतलब जो मुद्दा रहता है वही बोलती हूँ, मतलब उल्टा नहीं बोलती किसी। अर्चना, आपकी सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ रही है? हमने देखा ऐश्वर्या आपको बहुत अच्छे से मिमिक भी करती हैं, तो वो एक दोस्ती हमें नजर आ रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट किसके साथ अच्छी दोस्ती है? एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोगों की दो फ्लाइटें थी, एक में मैं, नायरा और ऐश्वर्या थे, और भी डेजी और भी बहुत शहजान, ये सब लोग थे। पहली वाली फ्लाइट में बहुत सारे लोग थे, तो मेरे साथ जो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग बनी वो ऐश्वर्या की बनी, फिर उसके बाद नायरा के साथ बनी, फिर हम लोग लास्ट तक जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थे ना, सबसे ज़्यादा जो मतलब कभी अलग ही नहीं हुए रियलिटी में एक साथ, वो दोनों थे ऐश्वर्या और नायरा, और तीनों का बॉन्डिंग जो बना है ना, उसे तीन त्रिमूर्ति भी बोला गया था, तो हम लोगों का फिर ऐसा